तो दोस्तों, सांप हमेशा इंसान के लिए उत्सुकता का टॉपिक रहे हैं, और अगर इन सांपों के साथ खिलवाड़ हो या कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कॉमन नहीं है तो लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, देखना चाहते हैं उसको। और अगर उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको दिखाया जाए तो वो इंसान और वो वीडियो जो है रातों रात हिट हो जाता है। और इसी सेंसेशन को पाने के लिए, यही हिट्स, यही लाइक्स पाने के लिए कई सारे लोग सांपों के साथ या दूसरे जीवों के साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि अनएथिकल है, पूरी तरीके से गलत है। पहले आप देख लीजिए एक क्लिपिंग और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। കാല് വന്നു അത് ചത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആട് ചത്തിട്ടില്ല, ആടൊക്കെ ചത്ത് വന്നു ശ്യാമ, ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം വീഡിയോ കേട്ടോ. दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी पुराना है और ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वन विभाग से ही कनेक्टेड है और इस पे एक्शन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो को उठाया और इस पे एक वीडियो हमने बनाने का इसलिए प्रयास किया है क्योंकि ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, ये पहला या आखिरी व्यक्ति नहीं है। हमारे सो कॉल्ड सर्प मित्र, स्नेक रेस्क्यूअर्स, आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि सांप को पकड़ के लेके आते हैं बाहर और तब तक उसकी बैगिंग नहीं करते हैं या उसको कंटेनर में नहीं रखते हैं जब तक उसने कुछ जो खाया हुआ है उसको उगल ना दे। उगलते हुए वो दिखाना चाहते हैं, लोग उत्सुक होते हैं, लोग वहाँ पर देखते हैं, लोग इस प्रोसेस को बहुत उत्सुकता से देखते हैं, इनको लाइक मिलता है, इनको ये जो वीडियो है इसको शेयर किया जाता है, लेकिन जो बेसिक मूल्य है वो यहाँ पे दरकिनार कर दिया जाता है। सांप जब अपने खाने को उगलता है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीगर्जिटेशन, और रीगर्जिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हालांकि नॉर्मल है काफ़ी। स्नेक्स जब भी खतरा फील करते हैं तो वो अपने खाने को उगल देते हैं ताकि वो हल्के हो जाएं और यहाँ वहाँ भाग जाएं, लेकिन रिगर्जिटेशन का प्रोसेस स्नेक्स के लिए इतना आसान नहीं होता और कई बार तो उनके साथ एक्सीडेंट्स होने के भी चांस रहते हैं अगर शिकार बड़ा है, स्पेशली अगर सांप पाइथन है तो पाइथन जो है वो काफ़ी बड़े शिकारों को खाता है, काफ़ी बड़े जीवों को खाता है, आपने देखा होगा। और इनके जो दांत होते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो इनके दांत हैं वो शिकार को अंदर की ओर खींचने के लिए बने होते हैं, हुक जैसे घूमे हुए होते हैं, तो जब वो शिकार को बाहर उगल रहे होते हैं, जब वो निगल रहे शिकार को बाहर निकाल रहे होते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना सांप को करना पड़ता है और उन दांतों से होके शिकार को गुजरना पड़ता है। तो कई बार वो जो दांत हैं, छोटे छोटे जो हुक जैसे दांत होते हैं, कई सारे दांत इस प्रोसेस में टूटते भी हैं, सांप चोक भी हो सकता है, सांप की चोकिंग से मौत भी हो सकती है। ना भी हुई तो केवल हमारे मनोरंजन के लिए इतनी मेहनत से इतना हार्ड अर्न फूड जो है उसको गवाना पड़ता है सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये कितना सही कितना गलत है ये प्रोसेस, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है दोस्तों आपके कमेंट्स के लिए, कमेंट करके हमको बताइए आपकी राय क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, एक सर्प मित्र को क्या इस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए महज लाइक और कुछ शेयर्स के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल या आपको अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।